एक बार मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ भी कर गुजरने की शक्ति के बारे में कहा तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर आपका वेट कितना है, और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद धीरे धीरे मेरा वेट बहुत अधिक बढ़ गया है। एंड देन आई डिसाइडेड टू डू द एक्सरसाइज। जब मैं ओवरवेट था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती थी, मैं ज्यादा देर चल नहीं पाता था, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता था, और दोस्तों वेट रिड्यूस करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डाइट कंट्रोल। अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप डाइट को प्लान नहीं करेंगे, तो कितनी भी एक्सरसाइज कर लें सारी एक्सरसाइज व्यर्थ हो जाएंगी। मैंने बहुत कंट्रोल किया, अपनी डाइट शेड्यूल को ठीक किया, एक डाइटिशियन से मैं मिला, डाइटिशियन ने मुझे बताया कि आपके दिन में कितनी कैलोरी लेनी है, कितनी आपको एक्सरसाइज करनी है। उन्होंने पूरी मेरी शेड्यूलिंग की। शेड्यूल करने के बाद मैंने अर्ली मॉर्निंग मैंने उठना शुरू किया, मैं सुबह 5 बजे उठता था। पाँच बजे उठने के बाद पार्क में जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, जिम में थोड़ी एक्सरसाइज करना, मेरे लिए एक वेट रिड्यूस करना एक चैलेंज था। उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सुबह का दिनचर्या चेंज करूं। मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया अगर आपको शाम को टाइम नहीं मिलता तो यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और जब मैं सुबह जल्दी उठने लगा तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती थी। ठंड में कई बार मन नहीं करता था उठने का, लगता था कि नहीं बस 5 मिनट और 5 मिनट और देखते देखते 10 बज जाते थे। तो जब सुबह जल्दी उठता था तो पार्क जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। स्टार्टिंग में मुझसे जॉगिंग नहीं हो पाती थी, मैं 50 कदम दौड़ता था, 50 कदम दौड़ने के बाद रुक जाता था, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता था। लेकिन मेरे मन में एक शक्ति थी कि मुझे कम करना है। पहले मैं 50 कदम दौड़ता था, 50 कदम चलता था, फिर 50 कदम दौड़ता था, फिर 50 कदम चलता था। धीरे धीरे मेरा स्टेमिना बिल्डअप हुआ, फिर मैं 100 स्टेप्स दौड़ने लगा, धीरे धीरे करके 100 स्टेप्स, 200 स्टेप्स, फिर 500 स्टेप्स। अब मैं बिना रुके लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आसानी से दौड़ पाता हूँ। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हम करना चाहते हैं तो विल पावर का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू दिस।